नमस्कार, देश का दिल, राजधानी दिल्ली। यहाँ एक ओर माँ कालका जी की ममता है और दूसरी ओर माँ झंडे वाली का आशीष। कहते हैं आप जितने भी जतन कर लें, कितनी भी मिन्नतें कर लें, माँ के दर्शन तभी होते हैं जब माँ का बुलावा आता है। आज एक नया प्रयास में मैं आप सबको माँ के दर्शन कराऊंगी। ये बुलावा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी आया है। तो चलिए, माँ ने बुलाया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकुटा पर्वत पर विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है। यह मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। क्योंकि यह मंदिर सूर्यकुट पर्वत पर स्थित है, हम माँ कालका देवी को सूर्यकुटा निवास के रूप में बुलाते हैं। इस पीठ का अस्तित्व आदिकाल से है। मान्यता है कि इसी जगह आदिशक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से यह मंदिर मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप से विख्यात है। प्रचलित कीवदंतियों के अनुसार कालकाजी मंदिर के बारे में कथाओं में बताया गया है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर कालकाजी मंदिर है, वहीं पास में कुछ देवताओं के मंदिर थे, जिनको वहीं पास में रहने वाले दो राक्षस बहुत परेशान करते थे। जब वह बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने इसकी शिकायत भगवान ब्रह्मा जी से की, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और उनको सलाह दी कि वह अपनी समस्या का समाधान के लिए माता पार्वती जी से मिले। वे दोनों माता पार्वती जी के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई, तो माता पार्वती ने अपने मुंह से देवी कौशिकी को बाहर निकाला और उन्हें आदेश दिया कि वह उन दोनों दानवों का वध करें। देवी कौशिकी ने उन पर आक्रमण करके उनका वध कर दिया, लेकिन जैसे ही उनके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी तो वहाँ अनेक राक्षस और पैदा हो गए। उनसे लड़ते हुए देवी कौशिकी बहुत परेशान हो गई। यह देख माता पार्वती ने अपनी बहू से काली देवी का जन्म किया। काली देवी ने उन सभी राक्षसों को मार कर उन सभी का रक्त पी लिया था। सभी राक्षसों को मारने के बाद काली देवी यहीं पर रहने लगी। तब से यह मंदिर कालका जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माता के इस मंदिर में कुल 12 द्वार हैं, जो द्वादश आदित्यों और 12 महीनों का संकेत देते हैं। इस मंदिर के 12 द्वार इसी आधार पर बने हैं। बाहर परिक्रमा में 36 द्वार हैं, जो मातृकाताओं के द्योतक हैं। हर द्वार के सम्मुख 3 द्वार माँ भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप सत्व रज तम का भी
परिचय देते हैं। मंदिर के द्वार के सामने दो सिंह प्रतिमाएं स्थापित हैं। आगे यज्ञशाला बनी है, जहां समय समय पर शक्ति के साधक यज्ञ करते हैं। भवन के भीतरी हिस्से में बने भीति चित्र काफ़ी आकर्षक हैं, जिनको देखकर मंदिर की भव्यता का अनुमान सहज ही होता है। सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर के सभी कपाट उनके भक्तों के दर्शनों के लिए खुले रहते हैं। सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान इस मंदिर के कपाट ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि कालका देवी काल चक्र स्वामिनी हैं और संपूर्ण ग्रह नक्षत्र इन्हीं से शक्ति पाकर गतिमान होते हैं। ऐसे में ग्रहण के समय इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित है। रात्रि के समय मां कालिका के लिए भक्त सुंदर शैया को सजाकर मंदिर में रखते हैं। भक्तों की मान्यता है कि भगवती नित्य छोटी बालिका के रूप में आकर रात्रि विश्राम करती हैं। नवरात्रि में दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। मान्यता है कि माता के दर्शन करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित है झंडे वाला देवी मंदिर। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ है जो झंडे वाली माता को समर्पित है। ये मंदिर करोलबाग में स्थित है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध देवी शक्ति का प्रतीक है। माता झंडे वाली लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनके एक तरफ माँ काली हैं और दूसरी तरफ माँ सरस्वती। इस मंदिर का इतिहास करीबन 100 साल पुराना है। Thank you.
संसार में माँ और बच्चे का संबंध ऐसा है जहाँ शब्दों की ही नहीं मौन की भाषा भी समझी जाती है। माँ का दरबार निराला है, जहाँ शब्द निकलते भी नहीं और माँ मन की बात जान लेती हैं। माँ सबकी झोली भरती हैं। आप सबकी मनोकामनाएं माँ तक पहुँच गई हैं। माँ आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरा करेंगी। मैं अब आप सब से विदा लेती हूँ इस विश्वास के साथ कि आप सब भारत के अनेक तीर्थ स्थलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करेंगे मेरे साथ। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।